हेलो स्टूडेंट्स, तो लेक्चर 3 में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन दिया था कि आपको नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है 9 ग्राम वाटर। तो देखो, 9 ग्राम वाटर में सबसे पहले गिवन मास 9, मोलर मास 18, तो 9 बाई 18 इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाई 2। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स। आपको क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में, नंबर ऑफ मोल मतलब एन ए, नंबर ऑफ एन ए नंबर। तो अब नंबर ऑफ मोल्स किसकी बात करें, मॉलिक्यूल्स की। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एन ए। तो हाफ मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा, हाफ इंटू एन ए, तो कितना आया, एन ए बाई टू। उसके बाद हमने क्या पूछा है, एटम। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो मॉलिक्यूल दे के एटम पूछा है। तो देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3। वाटर का एटॉमिसिटी क्या है, 3। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया कि एक मॉलिक्यूल में 3, तो एन ए बाई टू मॉलिक्यूल में एन ए बाई टू इंटू 3, दैट इज 3 Na/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31.6 ग्राम के एम एन ओ फोर। के एम एन ओ फोर का मोलर मास 158, हमने मोल निकाला 0.2। उसी तरीके से मोल से फिर मॉलिक्यूल 0.2 Na। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 1, 2, 4, 6 एटम। तो जितने भी मॉलिक्यूल है उसको मल्टीप्लाई बाय 6। तो प्रोसेस क्लियर है, सबसे पहले मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। 45 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, ध्यान दो ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास होता है 90। तो हमने 45 बाई 90, है ना, 0.5, 0.5 Na, 0.5 Na इंटू 8 क्यों किए, क्योंकि देखो इसका एटोमिसिटी 4, 2, 6 और 2, 8, 8 है। तो जितने भी एक, इसका मतलब क्लियर हो रहा है, वन मॉलिक्यूल कंटेन 8 एटम, तो 0.5 Na मॉलिक्यूल विल कंटेन 0.5 Na इंटू 8। 3.42 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। अब देखो, पहले मैंने मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, मोल। मोल से क्या निकाला, मॉलिक्यूल। मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकाल रहे हैं, मोल इंटू Na। और जितने भी मॉलिक्यूल आए, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 45। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 45। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ आपको। मान लो हम यहाँ आपसे सिर्फ ऑक्सीजन का एटम पूछा होता, इस एटम के कॉलम में अगर मैंने सिर्फ ऑक्सीजन का एटम पूछा होता तब क्या करते हैं, तब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय सिर्फ क्या होता, 4। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ कार्बन पूछे होते तो 2 से, सिर्फ हाइड्रोजन पूछे होते तो 2 से। क्यों ऐसा, क्योंकि तब आप कहोगे वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जिलिक एसिड कंटेन 2 एटम ऑफ कार्बन, कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा है, किसके नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछ रहा है। जिसका नंबर ऑफ एटम पूछा उसी की एटोमिसिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से टोटल ओवरव्यू, जितना भी अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया जो भी टॉपिक्स, तो इसका एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। कंप्लीट रिलेशन ऑफ मास, मोल, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, और फिर एक एग्जांपल। तो देखो, सबसे पहले मास, ठीक है, मास के बाद मोल, मोल के बाद मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल के बाद एटम, ठीक है। तो मास से मोल, अब मान लो मेरे को क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल पे भी लिखता हूं मैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन 22 ग्राम CO2। 22 ग्राम CO2 दिया, 22 ग्राम, और आपको बोला कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या है वो देखो, मास, पूछा क्या है, एटम। मतलब अपने टेबल में आपको मास से कहाँ जाना है, एटम की तरफ जाना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मास टू मोल, सेकेंड स्टेप में मोल से मॉलिक्यूल, और थर्ड स्टेप में मॉलिक्यूल टू एटम, है ना। अब सबसे पहले देखो, मास से मोल कैसे निकालते हैं।
मोल इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? मोल इंटू एनए। और मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट लेंगे हम लोग। ठीक है, पहले मैं इस एग्जांपल को सॉल्व कर देता हूं एक बार। ठीक है, अब इतने तक सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहला स्टेप मोल, तो मोल निकलेगा गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 22 और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, तो 22 बाय 44 कितना हो गया? हाफ। इसके बाद फर्स्ट हो गया, सेकंड, सेकंड में क्या है? मोल से मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इंटू एनए, दैट इज इक्वल टू कितना? एनए बाय टू। ठीक है, थर्ड स्टेप में मॉलिक्यूल टू एटम। ठीक है, अब मॉलिक्यूल टू एटम है, तो मॉलिक्यूल टू एटम मतलब कार्बन पहले, तो एटम के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने? मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी। तो अभी हम कार्बन एटम निकालेंगे तो इट इज इक्वल टू क्या होगा? मॉलिक्यूल कितना है? Na बाई टू। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो हम लिख देंगे Na बाई टू। ऑक्सीजन एटम निकालना है तो कितना? Na बाय टू इंटू टू, दिस इज Na। और टोटल एटम निकालना हो, टोटल एटम, तो टोटल मॉलिक्यूल तो वही Na बाय टू, और कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलिटी क्या है? 3, मतलब एटॉमिसिटी क्या है? 3 इंटू 3 कर देंगे, तो इट इज इक्वल टू 3 Na बाय टू। आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते थे। देख लो बहुत सिंपल है, थोड़े स्टेप्स हैं, आपको उसको फॉलो करने पड़ेंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट वेट ऑफ CO2 विच कंटेन्स Na बाय 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वेट Na बाय 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट करेगा? तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है? नंबर ऑफ एटम्स पूछा क्या है? वेट, मतलब एटम गिवन है, मास पूछा है। तो देखो अपने को रिवर्स रास्ता बनाना है। देख लो सबसे पहले एटम से मॉलिक्यूल जाना है, तो क्या हम लोग लिखेंगे? मॉलिक्यूल, ऐसे लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, एटम डिवाइड बाय एटॉमिसिटी, एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, तो मॉलिक्यूल इक्वल टू एटम डिवाइड बाय एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल टू मोल कैसे आएंगे? मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एने, मोल से मॉलिक्यूल जाने में मल्टीप्लाई किए, तो मॉलिक्यूल से मोल में आने में डिवाइड करेंगे। और फिर वेट इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। चलो इस स्टेप्स को फॉलो किया जाए। फर्स्ट स्टेप एटम बाय एटॉमिसिटी, तो मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Na बाय 2 अपॉन व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन? 2, तो Na बाय 2 डिवाइड बाय क्या कर दिए? 2, तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या था? Na बाई, या इस क्वेश्चन को मैं Na कर देता हूँ, कैलकुलेशन अभी इजी थोड़ा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? Na बाई 2, देख लो नंबर ऑफ एटम Na बाई 2, मॉलिक्यूल निकल गया, एटम डिवाइड बाई एटॉमिसिटी, क्योंकि CO2 में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है? 2, तो मैंने 2 से डिवाइड किया। सेकेंड स्टेप
मोल निकालना है। तो मोल क्या है, मॉलिक्यूल अपॉन एन ए, तो मॉलिक्यूल है आपका एन ए बाई टू अपॉन एन ए, तो ये हो जाएगा 1/2, देख लो। एंड लास्ट स्टेप इज वेट इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, तो वेट इज इक्वल टू मोल तो हाफ आया और CO2 का मोलर मास 44, तो आंसर कितना आ गया 22 ग्राम। तो ये जो है ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है जिसमें कि आप मास, मोल, मॉलिक्यूल और एटम इन सबको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लो चार्ट है कंप्लीट आपको याद होना चाहिए, है ना, कैसे मास से मोल, मोल से। अब देखो इसमें क्या है, एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, आप जैसे मॉलिक्यूल दिया, मॉलिक्यूल दे के आपसे मोल पूछा, तो आपको एटम, मास इन सब के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको मोल दे के मॉलिक्यूल पूछा, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है। एटम दिया और आपसे बोला कि मोल बताओ, तो आपको ये दो फॉर्मूले का यूज़ करना है। आपको मोल दिया, एटम पूछा, तो ये दो फॉर्मूले यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, आपस में सब रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, तो क्या है, हम लोग अब बात करेंगे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट मतलब मान लो कि एक्स कोई एलिमेंट है, जस्ट ए रिविजन आपने पहले पढ़ा, यहाँ ए और यहाँ पे जेड। तो ए क्या है, ए होता है मास नंबर, ए क्या होता है मास नंबर, और जेड क्या होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एक्स कोई एलिमेंट है, तो देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन When atom is neutral, जब atom neutral है तब, ठीक है, ये hold करता है जब atom neutral होता है। तो atomic number equal to number of proton is equal to number of electron. Next, mass number, mass number equal to क्या होता है, number of proton plus number of neutron. तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सब निकालने बिल्कुल फंडामेंटली आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कैल्शियम दे दिया, ठीक है, पोटेशियम दे दिया, आर्गन दे दिया, नियॉन दे दिया, और 40, 20, 19, 39, 18, 40, 10, 20, और आपको बोला गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाला, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं, है ना, सारा फॉर्मूला यहाँ लिखा है। तो देखो एटॉमिक नंबर 20, इसको मैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन 20, और कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 20, 40 माइनस 20 न्यूट्रॉन भी 20, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन भी 19, और न्यूट्रॉन 39 माइनस 19 20, देख लो, ठीक है। आर्गन 40 और 18, तो यहाँ पे प्रोटॉन 18 और ये कितना 22, ये कितना 10 और ये भी 10, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं जो हम लोग यूज करेंगे अभी क्वेश्चन में। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CO2, मान लो मैंने लिख दिया C6H12O6, मतलब ग्लूकोज, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया अमोनिया, ठीक है, मान लो वाटर, इस तरह से। अब इसमें भी मैंने आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पूछा, मान लो न्यूट्रॉन भी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले कार्बन CO2 में बोला ना, अब तो कार्बन नहीं है, CO2 है। तो देखो आपको एलिमेंट्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो कार्बन, कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6, और ऑक्सीजन में कितना होता है, 8, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 8 into 2, तो ये कितना हो गया 22, देखो
अच्छा कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी 6 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 16, ये भी कितना 22, और न्यूट्रॉन भी कितना आ जाएगा 6 प्लस 16 22। देखें ये ओवरऑल है, मतलब एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का हमने निकाल लिया, 22 22 22 इलेक्ट्रॉन, 22 प्रोटॉन, 22 न्यूट्रॉन्स। हाँ नेक्स्ट ग्लूकोज, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ ग्लूकोज, देखो 6 × 6 प्लस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो 12 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8 × 6 48, देखो कितना हो गया 60 + 36 है ना 96 हो गया यहाँ पे, इसका भी कैलकुलेशन सेम रहेगा 96। अच्छा यहाँ न्यूट्रॉन में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा देखो, कार्बन में 6 × 6 न्यूट्रॉन प्लस हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, क्यों हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है तो वहां पे 0 लिख देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा वापस 48, ठीक है। तो ये आपका हो गया 36 + 48, मतलब आपके लिए 84 हो गया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 84। नेक्स्ट अमोनिया की बात करें तो सेम 7 + 3 10, ये भी 10, और न्यूट्रॉन कितना 7, क्यों 7 क्योंकि हाइड्रोजन में 0। वाटर में बात करें तो 2 + 8 10 10 और यहाँ पे 8। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आप मॉलिक्यूल्स के भी फाइंड कर सकते हो। वापस मैं बता रहा हूँ आपको, दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। इफ क्वेश्चन विल बी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन टू मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो आंसर विल बी 44। हाफ में 11, 10 में 220, तो मैंने ये एक एक मॉलिक्यूल को निकाला है। अब क्वेश्चन है कि इसको कैसे लिंक करेंगे ना, तो देखो अब मेरा क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन इन 180 ग्राम ऑफ, या मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। तो देखो अब सबसे पहले आपको जितना भी मैंने पढ़ाया आपको सब में एक समरी निकालना है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच लेना है। तो बोला क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ वाटर में, तो वाटर क्या एक मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होगा 2 + 8 10, नो डाउट, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 + 8 10, नो डाउट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 0 + 8, क्यों 0 हाइड्रोजन में नो न्यूट्रॉन 8। तो ये आपने क्या किया एक एक मॉलिक्यूल का निकाल लिया। अब देखो एक एक मॉलिक्यूल का तो देखते पता चल गया, अब क्वेश्चन एक मॉलिक्यूल का नहीं था, क्वेश्चन किसने का था 36 ग्राम। तो क्या आप मास से मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो जब हम मास से मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं इसका मतलब आराम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएगा 36 ग्राम में। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए पहले मोल निकाल लो, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 36, वाटर का मोलर मास 18, आंसर क्या आ गया 2। अब क्या निकाल ले मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 2 Na। अब देखो क्वेश्चन सिंपल हो गया, यूनिटरी मेथड, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन तो 30, तो फिर 36 ग्राम, 36 ग्राम दैट इज 2 Na। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, सिंस वन मॉलिक्यूल कंटेन, वन मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, देयर फोर 2 Na मॉलिक्यूल विल कंटेन 2 Na × 10 दैट इज इक्वल टू 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। इन द सिमिलर वे इट विल बी 20 Na प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 2 Na मॉलिक्यूल विल कंटेन 2 Na × 8 दैट इज इक्वल टू
16 Na न्यूट्रॉन, देख लो। तो बेसिक समझ में आया इसमें क्या है? पहले आप एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, फिर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उस गिवन मास में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मास से आप पहले मोल निकाल लीजिए, मोल से मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे हमें समझ में आया कि हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो उसको किससे हम लोग फॉर्मुलेट करें? उसको हम लोग फॉर्मुलेट कर देंगे मॉलिक्यूल से, है ना? किससे कर देंगे? मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल से कैसे करेंगे? नंबर ऑफ, थोड़े इधर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन ऑब्लिक न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जितने भी मॉलिक्यूल है उससे मल्टीप्लाई कर दो एक मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है, नाउ एक कंप्लीट फाइनल एग्जांपल, 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन इज, फर्स्ट कैलकुलेट मोल, सेकंड कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, थर्ड कैलकुलेट नंबर ऑफ कैल्शियम कॉमा कार्बन कॉमा ऑक्सीजन एटम एंड टोटल एटम, एंड फोर्थ कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन ऑब्लिक न्यूट्रॉन। ठीक है, ये चार एग्जांपल्स हैं जो ओवरऑल अभी इसको हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट मोल निकालना है। तो मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 200 मोलर मास 100, आंसर इज 2। सेकेंड पार्ट मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल इंटू एन ए, तो 2 इंटू एन ए कर दो, सीधा सीधा आ जाएगा 2 एन ए। थर्ड पार्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, तो एटम कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूल इंटू एटोमिसिटी, तो 2 एन ए इंटू कैल्शियम का एटोमिसिटी क्या है? 1, तो इट इज 2 एन ए। कार्बन एटम, कार्बन का एटोमिसिटी क्या है? 1, तो 2 एन ए इंटू 1, 2 एन ए। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटोमिसिटी क्या है? 3, तो 2 एन ए इंटू 3, 6 एन ए। ठीक है, टोटल एटम, टोटल एटम आप क्या कर दो? सबको ऐड कर दो, 6 टू 8 प्लस टू 10, तो आंसर हो जाएगा 10 एन ए। या तो एटोमिसिटी कितना था? 3 प्लस टू 5, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 10 एन ए। और अब क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना फोर्थ पार्ट, इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन ऑब्लिक न्यूट्रॉन। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है आपका? 2 एन ए इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटम। तो देखो, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, यही है ना? तो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, तो इसमें ई पी और एन चाहिए। तो कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन? 20, प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20, कार्बन 6, 6, 6 और ऑक्सीजन 8, 8 और 8। तो एक मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, एक साथ लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन ऑब्लिक न्यूट्रॉन। ध्यान रहा हूँ यहाँ सब डेटा सेम है, इसलिए मैं न्यूट्रॉन भी साथ में लिख रहा हूँ। अगर न्यूट्रॉन डिफरेंट है कहीं तो आपको उसको अलग से लिखना पड़ेगा। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 20 प्लस कार्बन एक है 6, ऑक्सीजन 3 है, CaCO3 में 3 ऑक्सीजन है, तो 8 इंटू 3 देख लो, 24 प्लस 6 प्लस 30 प्लस 20 यानी 50।
देयर फोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन टोटल मॉलिक्यूल कितना है, 2Na. मॉलिक्यूल ऑफ सी एस यू थ्री इक्वल टू 2Na इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 100Na. तो आंसर क्या गया इसका, 100Na. तो टोटल इलेक्ट्रॉन 100Na, प्रोटॉन 100Na एंड न्यूट्रॉन भी 100Na. ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपसे सबका सम पूछा होता तो सब ऐड कर देते, 300Na आंसर हो जाता. तो ये कंप्लीट फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना. इसमें बहुत सारा वेराइटी क्वेश्चन बन जाएगा. मैं आपसे रिवर्स पूछ सकता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे के आपसे मैं मास पूछ सकता हूँ. तो पूरा प्रोसेस रिवर्स, मान लो मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे दिया, ये दे दिया और आपसे मास पूछा, तो क्या करोगे, पहले आप मॉलिक्यूल निकालोगे. कैसे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, है ना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या किए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. अब हम मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज 22Na, व्हाट विल बी द मास. तो ये 22 हो गया, एक मॉलिक्यूल का आपको पता है कितना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, और फिर वहां से मॉलिक्यूल मिल गया, मॉलिक्यूल से फिर मोल, मोल से फिर मास. तो ये जो फ्लो चार्ट है ये कंप्लीट रिलेट करेगा. एक और लास्ट एग्जांपल इस पे मैं कर देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 विच कंटेन 22Na इलेक्ट्रॉन, या इसको 44Na कर देते हैं, चलो 44Na इलेक्ट्रॉन. अब देखो क्वेश्चन ध्यान समझो, आपको क्या दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पूछ क्या लिया, मास, कितना मास ले कार्बन डाइऑक्साइड का, क्यों 44Na इलेक्ट्रॉन कंटेंट करेगा. तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया 44Na, है ना. और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एक मॉलिक्यूल में जितना मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू दिस, अब अगर ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दिस डिवाइड बाय दिस. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल. और वन मॉलिक्यूल है ना, तो इसको क्या लिख दे, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है क्वेश्चन में कितना, 44Na. और CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ लिख देते हैं, कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 16, तो 22, तो डिवाइड बाय 22 कर दो, तो कितना आ गया 2Na, कितना आ गया 2Na. अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया, अब क्या निकाल दो, मोल, तो मोल इक्वल टू मॉलिक्यूल अपॉन Na, तो कितना हो गया 2. और फिर क्या निकाल दो, मास, मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, तो मोल इंटू मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, 44 इंटू 2, तो आंसर इज 88 ग्राम. आंसर क्या हो जाएगा, 88 ग्राम हो जाएगा. तो यानी अगर आप 88 ग्राम CO2 ले लो तो उसमें 44Na इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट मैंने डिस्कस किया अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मोल, कैसे मोल फाइंड करते हैं, क्योंकि देखो आगे हम लोग रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. जब तक आपको ये फंडामेंटल चीज़ें क्लियर नहीं है, आप आगे केमिकल रिएक्शन के ऊपर, जिसको हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अदर रेफरेंस बुक से भी आप कर सकते हो. मैं भी एक असाइनमेंट इस पर आपको दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कुछ बेसिक और दो तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर फर्दर, है ना. थैंक यू.